दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान मुंबई से, और आज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सलीम खान साहब मुंबई से और विश्वास उदागी साहब मुंबई से हैं हमारे साथ में। हम आपका तारुफ कराते चले। डॉक्टर सलीम खान साहब, जैसे कि आप जानते हैं, मशहूर कॉलम निगार हैं। विश्वास उदागी जी, आप कामगार संगठन संयुक्त समिति महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा आप पूरे एक प्रोफेशनल बैंकर हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वीवर, जैसे कि आपको हम बताते चले कि आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है वो श्रीलंका में जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है, उसके बारे में हम अपने गेस्ट से सवाल करेंगे। और हम आपको ये बताते चले कि ये जो हालात हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि वहां के हुक्मरानों ने बनाए। हम अपनी जिंदगी में अक्सर ये सुनते आए हैं कि फला फला की लंका लग गई, लेकिन रियली इस वक्त लंका लग चुकी है पूरी तरीके से श्रीलंका की, और ये लंका लगाई है वहां के हुक्मरानों ने। वहां के राजपक्षे के जो परिवार है, जो कि काफी अरसे से बीच बीच में वहां पर हुकूमत करता चला आया है, और आज के वक्त में भी वहां पर एक राजपक्षे परिवार का एक भाई प्रधानमंत्री है और एक भाई राष्ट्रपति है, और बाकी के भाई भी अलग अलग पोर्टफोलियो में है, उनके बच्चे भी अलग अलग पोर्टफोलियो में। कितने जिम्मेदार है राजपक्षे परिवार, क्या है इसका पोलिटिकल रीजन और क्या है इसके पीछे का इकोनॉमिकल रीजन, आज के हम गेस्ट से जानेंगे। डॉक्टर सलीम खान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये जो राजपक्षे परिवार है वो किस हद तक आज के जो श्रीलंका के हालात हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोग राजपक्षे परिवार जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, इनके जो नेता हैं उनके घरों को जला रहे हैं, जहां पर भी इस पार्टी के नेता मिल जाते हैं लोग उनकी गाड़ियों को उलट देते हैं, एक नेता ने तो इनके खुदकुशी तक कर ली है, उसने गोली मार ली। तो ऐसे हालात जो आज बन चुके हैं, पूरी तरीके से जनता सड़कों पर आ चुकी है, हालात पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, इसके पीछे आप राजपक्षे परिवार को कितना उत्तरदायी मानते हैं? देखिए, इसका तो 100% जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी राजपक्षे परिवार की है। और महिंद्रा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री थे, ये उन्हीं का किया धरा है और उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद मसला हल नहीं हो रहा है, इसलिए कि अपोजिशन पार्टी जो है वो जो सरकार बनाने की बात उनका भाई गोताबा राजपक्षे कह रहा है वो उससे एग्री नहीं है। वो ये कहते हैं कि पहले तुम हटो, उसके बाद ही जो है हम ऐसी मिलीजुली सरकार बनाएंगे जो कि सरकार को चला सके। मिनिस्टर को अपॉइंट किया है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस तमाम पार्टियों की एक कंबाइंड सरकार बने, लेकिन ये कि उसमें उनको कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही है कि जो महिंद्रा राजपक्षे का भाई है गोताबाया राजपक्षे, वो जो है अभी प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो इसलिए लोगों का उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि इन लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया है। और अब तो महिंद्रा राजपक्षे की अरेस्ट का भी जो है वो तैयारी चल रही है। ये जो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, ये महिंद्रा राजपक्षे को अरेस्ट करना चाहता है। उसको ये उम्मीद है कि इसकी वजह से लोगों का गुस्सा ठंडा होगा और कुछ और अपोजिशन के लीडर्स उसके साथ जो है वो संयुक्त सरकार में शामिल होंगे। लेकिन ये कि फिलहाल तो जो पब्लिक का मूड है और जो दूसरे अपोजिशन पॉलिटिशियंस का मूड है, उससे ऐसा नहीं लगता कि जब तक कि गोताबा राजपक्षे जो है वो रिजाइन नहीं करते और इनको भी जेल में नहीं डाला जाता, उस वक्त तक लोगों का गुस्सा ठंडा। जी विश्वास साहब, जैसे कि सलीम साहब ने बोला कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया है, लेकिन हम वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है उसके पास ज्यादा पावर है इन कंपेरिजन टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन गोताबाया राजपक्षे जो कि वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, और मेन जो लोग वहाँ के नाराज हैं, जो गो गोटा गो के नारे लगा रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं, वो गोताबाया राजपक्षे का मांग रहे हैं। तो जब तक गोताबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे, आपको क्या लगता है कि हालात तब तक तो सुधरेंगे नहीं, तो ऐसे हालात में क्या होगा श्रीलंका? जैसे डॉक्टर सलीम खान ने कहा वो सही बात है, अभी विक्रम सिंघे नाम के उनके जो प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट हो गए हैं, वो एक पहले भी मेरे ख्याल से पहली बार नहीं हुए, ये तीसरे या चौथे बार हुए हैं, और ये राजपक्षे फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। एक अभी प्राइम मिनिस्टर का पद उनको छोड़ना पड़ा और मेरे ख्याल से वो हेलीकॉप्टर से कहीं एक ऐसे जगह पे निकल भी गए हैं। और गोताबाया जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनके ही भाई हैं,
तो ये इनके खिलाफ अभी भी जनता बहुत तेजी से आंदोलन कर रही है। जनता चाहती है कि ये सरकार पूरी तरह से, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके भाई, जितने भी लोग सत्ता में हैं, इनको जब तक वो बाहर नहीं करेंगे ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी एक फैमिली महिंद्रा जी के पक्ष की भाग गई है, वो भागने के लिए वहाँ के मिलिट्री ने एक इंतजाम भी किया है। आपने जैसा पाकिस्तान में नवाब शरीफ पहले निकल गए, अभी उनका भाई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, इमरान खान के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, वो जाके लंदन में अपने भाई से मिले, ये आपने देखा। तो इसका मतलब नवाब शरीफ का कहीं ना कहीं सेफ लैंडिंग नवाब वहां पे किया गया इमरान आने के बाद, लेकिन अब उनका फिर से वापस आना। यह जब भी क्राइसिस होता है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, वैसे श्रीलंका में 2-3 बार हो चुका है। अभी हमने देखा कि महिंद्रा राजपक्ष भाग गए हैं, अननोन प्लेस में गए हैं, बिकॉज इन्होंने इतना कुछ पैसा साइफन आउट किया है सिलोन की, श्रीलंका की इकोनॉमी में से, बैंक ऑफ सिलोन में से। तो उनके बहुत सारे लोग बैंक ऑफ सिलोन के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो बैंकों को भी उन्होंने लूटा है, सरकार की संपत्ति को भी उन्होंने लूटा है, इसलिए वो भाग गए, क्योंकि लोग उनके घर भी जला रहे हैं, ऑफिस में जाके घुसकर मार रहे हैं। तो ये जनता का जो एक खौफ, मतलब खौफ है इनके खिलाफ, ये और तेजी से बढ़ता जाएगा जब तक वो प्रेसिडेंट और पूरा राज्य के पक्ष के जितने भी लोग हैं वो सत्ता से बाहर नहीं होते, तब तक ये चलता रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि ये विक्रम जो सिंघे है वो अपनी सत्ता को कायम कर पाएंगे, वो तीसरी या चौथी बार वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पद पे आ चुके हैं। मेरे हिसाब से ये आंदोलन, ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, वहाँ का कुल मिला के गवर्नेंस जो है, पॉलिटिकल गवर्नेंस जो है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, ये दोनों एक साथ ही हम देख रहे हैं, क्राइसिस ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, क्राइसिस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। तो जब तक वो राजपक्ष फैमिली पूरी तरह से सत्ता से बाहर नहीं होती, ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा। जी शुक्रिया विश्वास साहब। सलीम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो ज्यादा जो स्थिति खराब हुई है, ये हम न्यूज में देख रहे हैं कि ये कोरोना के जो हालात थे उसके बाद वहाँ का जो इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर था पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि ये एक टूरिज्म से रिलेटेड कंट्री है। यहाँ पर जब टूरिज्म आता है तो फॉरेन रिजर्व आता है, लोग आते हैं, डॉलर खर्चा करते हैं, जिससे यहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होती है और यहाँ पर इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन चलता है। आपको क्या लगता है कि ज्यादातर जो हालात बने हैं वो कोरोना की वजह से हुए हैं, या इंटरनल जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है और एक परिवार जो उसको काफी साल से रन कर रहा है और एक ही परिवार के लोग सारे पोर्टफोलियो में हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेन रीजन क्या रहा आज के इस हालात के पीछे, जो आप खराब हो चुके हैं पूरी तरीके से श्रीलंका के हालात? देखिए, एक अगर मेन रीजन आप कहें तो वही है जो आपने कहा कि चूंकि वो एक छोटा सा मुल्क है, छोटी सी कंट्री है, और उसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो टूरिज्म, और टूरिज्म जो है वो इंडस्ट्री कोरोना की वजह से बुरी तरह से सफर हुई। तो एक रीजन तो ये हुआ कि लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो उसी के जरिए से फॉरेन करेंसी जो आती थी जिससे ये लोग अपना काम चलाते थे तो वो खत्म हो गया। दूसरा मसला ये हुआ कि जब कोरोना का असर खत्म हुआ और थोड़ा सा जो है वो स्टेबिलिटी आने लगी, तो यूरोप में यूक्रेन और रशिया का कंफ्लिक्ट हो गया, और उसी एरिया से बहुत सारे टूरिस्ट आते थे यहाँ पर, ठंडे कंट्रीज है वो, यहाँ पे वो सूरज की गर्मी वगैरह ये वो फन बात के लिए आते थे। तो वो जो स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे ये लोग, वो भी नहीं आई। बीच में राजपक्षे, ये जो महिंद्रा राजपक्षे है, ये भी अपने प्रधानमंत्री की तरह कुछ न कुछ नया नया ड्रामा करता रहा है। तो इसने एक और काम ये कर दिया कि श्रीलंका में जो गेहूं है वो अच्छा खासा उगता था, और वो मॉडर्न तरीके से जैसे इंडिया में और दुनिया के दूसरे ममालिक में गेहूं की पैदावार होती है, वैसी पैदावार वहां भी होती थी, फर्टिलाइजर यूज होता था और एंटी फंगल चीजें यूज होती थी, वो कीटाणुनाशक चीजें यूज होती थी ताकि जो है वो फसल की हिफाजत की जा सके। इसको पता अजीब गरीब चीज सूझी, जैसे हमारे यहाँ नोटबंदी का जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को सूझ गया था, इसने कहा कि आप जो है वो हैंड स्पोर्ट ये सब फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा,
बल्कि जो है वो नेचुरल वो सब यूज होगा। अब उसकी वजह से गेहूं की जो पैदावार थी, जो कंट्री की अंदर पैदा होता था और वो लोगों की जरूरतों को पूरा करता था, तो वो जो है वो फसल तबाह हो गई। अब उनका डिपेंडेंस जो है वो गेहूं के लिए भी फॉरेन के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब उसके लिए फॉरेन करेंसी तो है नहीं, कर्जा लेते लेते जो है वो 100% वो लोग जो है वो डिफिसिट में चले गए, यानी उनके ऊपर कर्जे का सूद इतना आ गया कि वो उनकी जीडीपी के बराबर हो गया। ऐसी सूरत में अगर कोई अच्छा रूलर हो, शासक हो, तो वो ये करता है कि जो कंट्री का बेस्ट टैलेंट है उनको बुलाता है और उनके साथ सर जोड़ के बैठता है और कोई बाहर निकलने का रास्ता निकालता है। लेकिन इन लोगों ने तो सारे अहम पोर्टफोलियोज अपने खानदान वालों में दे दिए, यानी उसका क्राइटेरिया ये नहीं था कि उनके अंदर टैलेंट है कि नहीं, उनके अंदर जो है वो कैपेसिटी है कि नहीं। इस बुनियाद पर तो किसी को जो है वो फिनेंस मिनिस्टर, किसी को डिफेंस मिनिस्टर, किसी को दूसरे डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया नहीं गया था। सब अपने रिश्तेदार, छोटे भाई को प्रेसिडेंट बना दिया, और प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर नहीं है, ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर को ही था जो अभी भागा हुआ है। उसका ये ख्याल रहा होगा कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो उसका जो भाई है, जो प्रेसिडेंट है, उसका छोटा भाई, वो दोबारा उसको बुला लेगा और फिर चीजें उसके हाथ में वापस आ जाएंगी। लेकिन उसका ख्याल गलत निकला, लोग जो है उसके रिजिग्नेशन से भी सेटिस्फाई नहीं हुए, और लोग जो है वो अब उसके भाई का भी रिजिग्नेशन मांग रहे। तो रीजन जो है वो बहुत सारे, लेकिन मेन रीजन ये है कि आपने इस तरह की सिचुएशन को जो आ सकती है उसको एंटीसिपेट नहीं किया। उसको एंटीसिपेट करने के बाद उसको हैंडल करने के लिए जिस तरह के लोगों की आपको मदद देनी चाहिए थी, उन लोगों को अपने साथ रखने के बजाय अपने परिवार वालों को, ना है लोगों को जिनके अंदर कोई, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, उनको जो है वो ये सब अहम जिम्मेदारियां दे दी। तो इस वजह से जो एक सिचुएशन जो खराब हुई थी, जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता था, वो जो है उसको महिंद्रा राजपक्षे ने बिगाड़ दिया। असल में जो ऐसे लोग होते हैं उनको किसी पे विश्वास नहीं होता, किसी पे भरोसा नहीं होता, वो लोग को हमेशा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है कि अगर कोई टैलेंटेड आदमी हमारे साथ आ जाएगा तो हमारी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। तो इस तरह से ये लोग अपना भी नुकसान करते हैं और अपने देश का भी नुकसान करते हैं और देशवासियों को भी मुसीबत में डालते हैं। ये है जी। शुक्रिया सलीम साहब। अगला सवाल मेरा विश्वास जी से, आप क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं, इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी को हैंडल करने में कहाँ पे राजपक्षे परिवार से गलती हो गई कि पूरी तरीके से ये डिजास्टर हो गया? पिछले कई सालों से हम ये देखते आए हैं कि जो श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो पटरी से उतर चुकी है। इसको शायद 10 साल हो गए। यहाँ पे चाइना का पूरा कंट्रोल श्रीलंका की इकोनॉमी पर है। जहाँ तक कोलंबो जो कैपिटल सिटी है वहाँ पर चाइना का ही पूरा कंट्रोल है। वहाँ का जो पोर्ट है कोलंबो पोर्ट है, और वहाँ का एयरपोर्ट है कोलंबो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ये तो चाइना के कंट्रोल में है। और यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए भारत देश के जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत नज़दीकी जो जिसको कहेंगे हम गौतम अदानी, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पोर्ट के ऊपर चलाते हैं। उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ पर है। अब कभी कभी सवाल आता है कि ये भारत की तरफ से वहाँ पे बिजनेस करने गए या चाइना की तरफ से वापसी बिजनेस करने गए हैं। चाइना की, अब श्रीलंका की इकोनॉमी में चाइना ने इतना बहुत बड़ा कर्जा दे के रखा है कि कुल कर्जा जो है उनकी कुल आमदनी जो है उसका 88% कर्जा है, उसमें डोमिनेंट पोर्शन जो है वो चाइना का है। अब चाइना की जो मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो भी श्रीलंका की भूमि से होता है। श्रीलंका का एयरपोर्ट हो या हवाई पोर्ट हो या समंदर जो है वहाँ पे, हिंदी वहाँ पे तो
तीनों समुंदर साथ में आते हैं, इसके ऊपर अभी चाइना का ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुका है। वहां से बहुत कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो श्रीलंका की इकोनॉमी अभी इंडिपेंडेंटली हैंडल करना श्रीलंका के गवर्नमेंट के हाथ में है भी नहीं। इसको इन्फ्लुएंस बहुत सारे देश करते हैं और नाउ इट हैज बिकम ए सैटेलाइट कंट्री फॉर चाइना। यहाँ तक नौबत आ चुकी है। अभी मैंने गौतम अदानी का जब उदाहरण दिया वो इसलिए दिया कि उनका कारोबार ऑस्ट्रेलिया से है या बहुत सारे देशों से जो है, उसका एक केंद्र श्रीलंका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इस आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले कि वहां पर जब अभी ये नए कुछ प्रयोग शुरू हो गए, उनका जो उत्पादन है गेहूं का वो कम हो गया, तो लेने के देने पड़ गए। वहां पे खेती में बहुत मार खाया उन लोगों ने और लोग तो भूखे मरने लगे हैं। तो भारत सरकार ने 1-2 महीने का दाना पानी राशन पानी दे दिया है, वो कितने दिन चलेगा ये भी तो सवाल है। तो ये दान धर्म पे श्रीलंका कितना दिन जिएगा? उसका टूरिज्म खत्म हो चुका है, इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो चुका है, इंडेटेडनेस बढ़ गया है। वहां का रुपया और इंडिया का रुपी, अगर इंडिया का रुपी और वहां का रुपया, इसमें जब आप देखोगे तो मेरे ख्याल से करीब करीब 4.25 रुपया होता है हमारा 1 रुपया भारत का रुपया। मतलब भारत का रुपया जो आज लुढ़क रहा है वो श्रीलंका में 4.25-4 रुपए तक उसकी वैल्यू है। डॉलर की तो बात ही मत पूछो, क्योंकि हम डॉलर 77 का है, वहां का रुपया डॉलर से। तो अमेरिका का भी बहुत इंडेटेडनेस श्रीलंका पर है, चाइना का भी है, भारत का भी है, और वहां का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ खत्म हो चुका है। तो वहां का फॉरेन एक्सचेंज किटी भी खत्म हो चुका है, वहां का प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, और खेती में जो आना चाहिए वो जो गलत, अभी जो डॉक्टर सलीम खान ने कहा जो गलत एक्सपेरिमेंट किए गए खेती के ऊपर, वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो कुछ भी हो, हम उतना जानते नहीं खेती के बारे में, लेकिन खेती के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो गए इसलिए वहां पे खेती का उत्पाद खत्म हो चुका है। इसलिए वहां पर श्रीलंका की डिपेंडेंस और देशों में बढ़ गई है, चाइना पर है, ऑस्ट्रेलिया पर है, इंडिया पर है। तो ये एक खेती के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया है, टूरिज्म खत्म हो जाए, टोटल इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग। तो ये आज की तारीख में इन्फ्लेशन का रेट अपने देश में अगर 7.79 है आज की तारीख में, तो वहां इससे दुगुना है। और ये जो इन्फ्लेशन है ये दुनिया भर के जो अफ्रीका, अमेरिका और कुछ देशों में जो जैसे जाम्बिया है 125% वगैरह, इस तरीके का इन्फ्लेशन यहाँ पे शुरू हो गया है। इसलिए डिवैल्यूएशन उनके रुपया का बहुत बड़े पैमाने में हो चुका है, पूरी तरह से उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लोज हो गया है। विश्वास साहब आप ये बोलना चाहते हैं पूरी तरीके से? जी, विश्वास साहब आप ये बोलना चाहते हैं कि पूरी तरीके से इकोनॉमिकल जो जो सिचुएशन है वो पटरी से उतर चुकी है और उसके बारे में लगेगा हो सकता है कि सुधरने का उपाय। जी अगला सवाल मेरा सलीम साहब से है। सलीम साहब, अभी हमने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका, जिसके ऊपर असर करने वाला पहला नंबर 1 चाइना, दूसरा हम लोग हैं, तो फिर भी वहां की इकोनॉमी डिरेल्ड हो गई है, क्योंकि राज्य के पक्ष ने जितना कुछ कमाया है उतना कुछ स्क्वीजिंग किया है, लूट भी लिया है। इसलिए लोगों का उस फैमिली के ऊपर, उन सारे उनके मंत्रिमंडल के लोगों पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि लोगों के हाथ में जितना भी उनके रुपया था उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। गुस्सा हम ये गुस्सा देख भी रहे हैं, और ये गुस्सा हम इस तरीके से देख रहे हैं कि उनके खुद के परिवार पर हमला किया जा रहा है, उनके नेताओं पर हमला किया जा रहा है, उनके भक्तों के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनका जो पुश्तैनी घर था उसको भी पब्लिक ने जला दिया। जब पब्लिक अपने ऊपर आती है तो भक्त ही पूरी तरीके से निकल जाती है। सलीम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ वक्त पहले तक की लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ किसान टेंट वगैरह लगा करके प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसे ही लोग गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे को गद्दी से हटाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ हुड़दंगाई आए, उन्होंने वहां के लोगों पर
जो शांति पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उनको मारा पीटा, धक्के वक्के मारे, उनके टेंट बंद उखाड़ दिए। उसके बाद हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गए और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरी तरीके से ये एंटी गवर्नमेंट रॉयट्स बन चुके हैं और उनके जो राजपक्षे की जो पार्टी है उससे जुड़े हुए जो नेता हैं उनसे जुड़े हुए जो भक्त हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। मीडिया के लोग भी जो राजपक्षे परिवार की कभी गुणगान किया करते थे आज उनकी भी पूरी तरीके से पिटाई हो रही है। सलीम साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो हालात आज हम श्रीलंका में देख रहे हैं सेम वैसे ही हालात कहीं ना कहीं हमारे देश में भी चल रहे हैं? जिस तरीके से वहां पर एक परिवार के दो लोग, दो भाई, एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, तो यहाँ पर भी एक ही कम्युनिटी के दो बहुत ही करीबी लोग जो है वो पूरी तरीके से देश को संभाले हुए, मेरा इशारा आप समझ गए। और जो वहां पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश से भी मिलजुल रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वहां के जो तमिल कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको भी उसी तरह टारगेट किया जा रहा था कुछ वक्त पहले जैसे कि आज हमारे देश में किया जा रहा है। वहां पर भी हलाल जो मीट है उसको बैन करने की बात की जा रही थी, बुर्कों को बैन करने की बात की जा रही थी, मुसलमानों को ही सारे परेशानियों की जड़ बताई जाती जो कि आज कहीं ना कहीं हम अपने देश में भी देख रहे हैं। हमारे भी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं है, 2014 के बाद से हमारा इकोनॉमिकल जो ग्रोथ था वो कम ही होता गया है और नोटबंदी और जीएसटी और कोरोना के बाद तो और हालात खराब हो गए। आपको क्या लगता है ऐसे हालात में क्या वाकई में भारत को रिव्यू नहीं करना चाहिए अपनी पॉलिसीज पर? हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं उन्हें बैठ करके सोचना नहीं चाहिए कि कहीं ऐसे भी, कहीं यहाँ पर भी वैसे ही हालात ना बन जाए? आपको क्या लगता है? देखिए, असल में सिचुएशन में बहुत बड़ा फर्क है। आज भी जो उनका डेफिसिट है वो जो 100% पहुंच गया है, इंडिया में जो है वो पिछले बजट में 19% था, अब क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई है 77 हो गया है, तो हो सकता है कि अभी डेफिसिट 21% हो जाए, यानी जो हमारा जो इनकम है उसका 20% 21% हम लोग कर्ज की सूद चुकाने पे खर्च करते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो गई है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है 20% में और 100%। दूसरी बात यह कि इंडिया का बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो सारी दुनिया को यहाँ पे अपनी चीजें बेचने के लिए लानी पड़ती है और हमारा प्रोडक्शन भी है जो कि हम सारी दुनिया में बेचते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी सरकार जो है वो पुराना जो सरकारों ने जो पब्लिक सेक्टर बनाया था उसको भी जो है वो बीच बीच के अपना डेफिसिट पूरा कर रही है। अब ये कब तक चलेगा ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये कि अभी आप समझ सकते हैं एक आदमी है जिसके के बाप ने बहुत कुछ कमा के रखा है, तो वो बहुत दिन तक ना कमाए तो भी अपना पुराना एसेट बेच के जो है वो काम चला सकते। श्रीलंका के साथ ये सिचुएशन नहीं थी, लेकिन दो बातें हैं जो सिमिलर है। एक चीज तो जो आपने कही कि जितने हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जितनी पॉपुलर है उससे ज्यादा पॉपुलर महिंद्रा राजपक्षे था, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि उसने अपनी पॉपुलैरिटी की बेसिस पे पहले तो उसका भाई प्रेसिडेंट बना, फिर 2019 में, फिर 2020 में वो प्राइम मिनिस्टर बना, फिर उसने अपनी फैमिली के आदमी को जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बिठा दिया। तो ये सब कोई भी इंसान उसी वक्त कर सकता है जब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर, मतलब लोग उसके बारे में ये सोचे कि वो कोई गलती नहीं कर सकता है, वो जो भी करता है वो सही है, लोग उसके अंधे भक्त बन जाए, तो जाके फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है। तो ये सिचुएशन वहां पे और हमारे यहाँ सिमिलर है। दूसरी चीज जो आपको समझना चाहिए वो ये कि राजपक्षे ने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया। देखिए, हर पॉलिटिशियन चाहता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाए और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपने देश के लिए और अपने देश की जनता के लिए ऐसे काम करे, कल्याणकारी काम करे, उनके वेलफेयर के काम करे ताकि लोग उसको चाहें, उसको पसंद करें। ये सीधा तरीका है कि आप जो है वो लोगों का भला करो, लोगों को फायदा पहुंचाओ, लोग आपको चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़े। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो सकता, तो फिर आप दूसरे तरीके से
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो है वो एक फैसिस्ट तरीका है कि आप किसी एक ग्रुप को, किसी एक ग्रुप को जो है वो पकड़ो, एक समुदाय को पकड़ो, उसको जो है वो डेमोनाइज करो, उसके खिलाफ जो है वो नफरत पैदा करो और उससे लोगों को डराओ और फिर लोगों को बताओ कि देखो इनसे हम ही तुमको बचा सकते हैं, और इस तरह से लोगों को जो है वो अपने पंजे में जकड़। ये एक पॉपुलर चीज है, हिटलर ने भी ये किया था, बहुत से लोगों ने ये किया, और मुसोलिनी ने ये किया, और हिंदुस्तान में ये हो रहा है, अपने भारत देश में इसी तरह से राजपक्षे ने भी ये फॉर्मूला चलाया। और ये पुराना तरीका है कि जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म आप कह सकते हैं, अल्ट्रा नेशनलिज्म जिसको आप कह सकते हैं, वो उसने चलाया। और उसने पहले तो जो दुनिया भर में जो शांति का धर्म माना जाता है, अब देखिए कि उसके अंदर नेशनलिज्म वो राष्ट्रवाद का ऐसा कट्टर राष्ट्रवाद डाला कि अहिंसा के धर्म को उसने जो है वो हिंसक धर्म बना दिया। ये सिलसिला चल रहा है 2015 से, 2015 2011 इसमें भी थोड़े थोड़े वाकयात होते थे, 2015 से तो बड़े पैमाने। अब आप ये देखें कि 2019 में एक धमाका होता है और उसने इतनी अकल से काम किया इस आदमी ने, मतलब इतनी चतुराई से इसने काम किया कि इसने ईस्टर के दिन जो है वो हमला करा दिया क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब सारा कुछ तो इसी के पास था, इसका भाई प्रेसिडेंट था, और उसने क्या किया, उसका इल्जाम मुसलमानों पे डाल दिया। अब उससे उसको एक फायदा तो ये हुआ कि मुसलमानों को एज ए टेररिस्ट प्रोजेक्ट करने में उसको कामयाबी हुई, और उसको ये भी मालूम हुआ कि चूंकि उसने वो हमला क्रिश्चियंस पे करा दिया, इसलिए जो दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, यूएस और यूरोप वगैरह, उसकी भी सिंपैथी उसको मिल गई। तो ये जो गेम उसने खेला, उसके बाद फिर वो उसको बढ़ाता चला गया। मतलब क्या है कि जितनी नाकामी होती है, आप अपनी बात को, आप अपने बात को बहुत ही शॉर्ट में खत्म कर दीजिए ताकि अगला सवाल में विश्वास जी से करके इस प्रोग्राम को चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना काल में जैसे अपने यहाँ हुआ मरकज मस्जिद को जो है इन्होंने बताया कि यहीं से सारा कोरोना फैल रहा है, उसी तरह से आप ये देखें कि वहां पे पेटी इश्यूज में बुरका वो करो, फिर उस वहां पे एक बात ये हुई कि साहब जो मुसलमानों की लाशें हैं उसको अगर आप दफन करेंगे तो उससे कोरोना फैलेगा तो इनको भी जलाना पड़ेगा। इस तरह के इमोशनल इश्यूज को उठा उठा के इसने जो है वो अपनी नाकामी को कवर किया। और आप नाकामी को कितना भी कवर करो, एक खास हद के बाद जो है वो नहीं छुपती है, और श्रीलंका में यही हुआ। अगर ये अपनी नाकामी को कवर करने के बजाय अपनी नाकामी को एक्नॉलेज करता और उसको हैंडल करने की कोशिश करता समय रहते, तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। लेकिन आप जो है बीमारी को छुपाते रहो छुपाते रहो छुपाते रहो, तो अचानक एक दिन जो है आप कोलैप्स होकर गिर जाते। तो ऐसा ही जो है वो श्रीलंका में हो गया। जी सलीम साहब, विश्वास जी जैसे कि सलीम साहब ने बोला कि ये चीज हम देखते भी हैं अपने माशरे के अंदर, हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब आप कोई वेलफेयर काम नहीं कर पाते हैं तो आप अपने समाज और अपने देश के अंदर किसी ना किसी कम्युनिटी या धर्म को जो है डेमोनाइज करते हैं। यही चीज हमने श्रीलंका के अंदर देखी कि राजपक्षे परिवार ने वहां के जो मुस्लिम है और वहां के जो क्रिश्चियंस है तमिल्स है उनको डेमोनाइज किया और उनके अंदर ये डर बैठाया कि वहां के जो सिंगली लोग हैं वो जो है वो खतरे में आ जाएंगे, उनका जो बौद्धिज्म जो वहां का धर्म है वो खतरे में आ जाएगा। जैसे कि हम सेम पैटर्न इंडिया में भी देखते हैं कि 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों से डराया जाता है, और 2014 के बाद जो है वो हिंदू धर्म खतरे में आ गया है, हिंदू खतरे में आ गए। सेम ये पैटर्न जो आज श्रीलंका में चल रहा है हमारे देश में भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसी पैटर्न पे अगर हम चलते रहेंगे, जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वेलफेयर स्टेट बनाने की जगह जो है वो हिंदू राज बनाने की बातें की जा रही है, विकास की जो बात की जाती थी उसकी जगह हिंदू खतरे में आ गया है, जब हम हमें हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो परीक्षण करना चाहिए उसकी जगह हम मस्जिदों का परीक्षण कर रहे हैं कि उसके नीचे कहीं मूर्ति मिल जाए ताकि हम इसको मंदिर बना सके। तो अगर इसी पैटर्न पे हमारा देश भारत भी चलता रहेगा तो आपको क्या लगता है कितनी दूर है हमारा देश भारत श्रीलंका बनने से? ये हमारा लास्ट सवाल, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को करते हैं। श्रीलंका में तो एक फैमिली का रूल है, हमने देखा कि उसको श्रीलंका को उस फैमिली ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहां पे अभी
श्रीलंका टूटने की कगार पर है और चाइना भी उसको अभी एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, उनकी वो कॉलोनी बन चुकी, ये मैं बोल चुका हूँ। भारत में अगर हमको देखना है तो भारत में भी ये कॉम्युनल डिवाइड करना और माइनॉरिटीज के ऊपर एक दहशत खड़ा करके बड़े धर्म को कहना कि आप खतरे में हो, तो ये जो पॉलिटिक्स है ये फैसिज्म का एक नया तरीका है। अब फैसिज्म इस तरीके से अगर इस देश के संविधान को खत्म करके माइनॉरिटीज के ऊपर दहशत खड़ा करके अगर वो डिवीजन करते रहा तो इकोनॉमी श्रीलंका की तौर पर भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी हो रही है, मतलब जहाँ पे बेरोजगारी का सवाल है तो अभी तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ने एक्नॉलेज किया कि 2 करोड़ नौकरियां जा चुकी है, 45 करोड़ नौकरियां उनको बिल्कुल अभी कोई काम ही नहीं है, कोरोना के पहले यही दिखाई दिया था, कोरोना के बाद अब वो काम ही नहीं है, उनकी गिनती भी अभी नहीं हो रही है तो सरकार उनकी गिनती कर रही है। नए रोजगार अगर पैदा नहीं होते और 2 करोड़ के रोजगार खत्म होते हैं और 45 करोड़ के लोगों को काम ही नहीं है तो इसका मतलब 140 करोड़ के इस देश में करीब करीब 45 से 50 करोड़ लोगों के हाथ को काम नहीं है, तो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी यहाँ बज रही है। यहाँ पे ऑलरेडी जो पिछले 10 साल में नहीं था उतना एक रिटेल इन्फ्लेशन का 7.79 अब 8% तक वो आ भी गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मॉनेटरी पॉलिसी तय की है वो शेड्यूल थी, उसके पहले ही उन्होंने रीशेड्यूल किया जिसको गवर्नमेंट को पता भी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर का अभी करेंसी और फाइनेंस का रिपोर्ट अगर आप खोल के देखिए तो पिछले 3 या 4 साल में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने और नीति आयोग ने जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में दावा ठोक के कहा था कि हम बहुत आगे बढ़ रहे ग्रोथ, तो वो सारे दावे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट करेंसी एंड फाइनेंस वाला, उसमें ये लिखा गया है कि कोरोना काल में जो जीडीपी की हालत खराब हो गई है तो 1 फरवरी 2020 का जो जीडीपी का हालात है वो 200 लाख करोड़ प्लस है। अब वो हालात वापस आने के लिए, मतलब जीडीपी 200 लाख करोड़ प्लस होने के लिए अभी और 12 साल लगते हैं, और यही चीज हम जैसे कुछ लोगों ने पिछले 2 साल में कहा अभी भी कहा इस फरवरी के बजट के पहले कि भाई आप 155 लाख करोड़ पे हो, 200 लाख करोड़ आपको 1 फरवरी 2020 में था, अब तो हमें झूठा कहने के लिए बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज बताते थे इंक्लूडिंग आरबीआई का खुद का रिपोर्ट कि हम 7.5% जीडीपी ग्रोथ करेंगे, हम 8.5 करेंगे, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, रेटिंग एजेंसी सब लोग 7% से ज्यादा ग्रोथ की बात करते थे, लेकिन आरबीआई का खुद का रिपोर्ट अगर अभी ये कहता है कि मुझे प्री कोरोना सिचुएशन में आने के लिए अभी और 12 साल लगते हैं, इसका मतलब कैट इज आउट ऑफ द बैग, दिस इज द रियली क्राइसिस सिचुएशन है। और वो ऐसे वक्त उन्होंने ये रिपोर्ट खोल के रखा है जब प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं हमारी ग्रोथ 8% से हो रही है, तो सारे आंकड़े गलत साबित हो गए आरबीआई की रिपोर्ट से। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने नोटबंदी की बात की, नोटबंदी के वक्त उस वक्त 17 लाख करोड़ की करेंसी थी, उसमें से 4 लाख करोड़ उनको निकाल के रखने थे लेस कैश करने के लिए और डिजिटल तरफ जाने की, डिजिटल तरफ तो जा ही रहा है लेकिन कैश मार्केट में कितना है आपको जानते हैं, अभी के रिपोर्ट खोल के देखो 28 लाख करोड़ है, इसका मतलब करीब करीब 11 लाख करोड़ ज्यादा पैसा है, इसका मतलब काला पैसा बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन की रेट ये 8% और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो करीब करीब 16% हो गया है। तो ये श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भारत के 90 करोड़ लोगों के लिए आज के हालात में है, ये मुझे कहना है। और संपत्ति जो भी बनी है वो सिर्फ इस देश के 2% लोगों के हाथ में चली गई है, ये 8 साल का कच्चा चिट्ठा है, ये मुझे आपको बताना है। तो श्रीलंका और भारत की इकोनॉमी इसमें भी कोई फर्क नहीं। विश्वास साहब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो मोटा मोटी ये बात निकल करके आती है कि ठीक है अभी भारत के हालात श्रीलंका जैसे तो नहीं है, लेकिन अगर हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिकल पॉलिसी हमारे देश की चल रही है और हमारा देश भी दो ही लोगों के हाथ पे खेल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश में भी इकोनॉमिकल हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। जैसे कि सलीम साहब ने बोला कि
धर्म के नाम पे जब राजनीति की जाती है, किसी एक खास समुदाय को डेमोनाइज किया जाता है, तो हमने हाल भी देखा होगा कि किस तरीके से हिटलर ने अपने आप को होली मान ली, मुसोलिनी का क्या हाल हुआ, और गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे जो कि इसी सेम पैटर्न पर अपने देश को चला रहे थे, आज देश छोड़कर भागने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है हमारे देश भारत के लिए, यहाँ के हुक्मरानों के लिए, कि वो वक्त रहते समझ जाए, वरना हो सकता है कि हमारे देश में भी श्रीलंका जैसे हालात बने। व्यूअर्स, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि हमारे इस एपिसोड को आपको सुनने में ऑडिबल प्रॉब्लम आएंगी, इसको आप इग्नोर करें। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारे गेस्ट को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गेस्ट हमारे साथ। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।